हेलो फ्रेंड्स, JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट नोटिस आ गया है और यह देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 06/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किए जाने हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं, ये जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो झारखंड डिप्लोमा लेवल कम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के ये है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो क्या है। तो यहाँ पर जो है रांची के सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे आवेदन को जो है आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके भर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका परीक्षा शुल्क या एग्ज़ाम फी जो है 100 रुपये है। उसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो है उनको 50 रुपये के परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं और ये आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये जो है शुल्क वो आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार देने के बाद में ये अब आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या, पोस्ट कितने हैं। तो जो है ये कन्या अभियंता यानी विद्युत देने के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो जो किए हैं उनके लिए जो है सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का है। यहाँ पर आप देखिए टोटल जो है इलेक्ट्रिकल के 46 सीट है। यहाँ पर अनुरक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा में आप यहां पर सीधे देखिए अगला वाला जो है कन्या अभियंता सैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल 77 है। जनरल के लिए यानी अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति, सब सब देखिए आप यहां पे। इसको मैं और सामने से दिखा देता हूं। तो टोटल है ये 188 है, ये सिविल के लिए 188 पोस्ट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कन्या अभियंता, तो इसके देखिए आप अनारक्षित के लिए 21 है। इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ सबका सीट दिया गया है, अच्छे से मेंशन किया, तो ये है टोटल 51। तो आप देखेंगे 51, 88 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40, यानी कि लगभग लगभग आपका 300 के बराबर सीट है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं और इसमें जो जो है आपका पेमेंट के इस प्रकार है, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है अंतिम तिथि तक आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना जरूरी है, ये भी आपको कहा गया है। और बाद बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो आप PDF में देख सकते हैं यहाँ पर JSSC में जाकर के। और यहाँ पर और कुछ है जो बताने योग्य है तो मैं उसको थोड़ा सा बता देने की कोशिश करता हूँ, या तो फिर आप लोग इसको देख ही सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो जो था वो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब इसको जो है डेट को देखते हैं। जो डेट है यानी रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है हुआ है आपका 23 जनवरी के 11 बजे से लेकर के 22 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। आपको ये जो डेट है वो आपको ध्यान रखना है, 23 जनवरी यानी 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी यानी 22 फरवरी यानी कि लगभग एक महीने का है। परीक्षा शुल्क यानी एग्ज़ाम फी आप दे सकते हैं 25 फरवरी तक, और अपलोड करने के बाद में आप जो प्रिंटआउट ले सकते हैं वो है 27 तक यानी 27 फरवरी तक आपको सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। इसके अलावा में अगर आप बात करेंगे तो आपको 2 मार्च तक में सारा चीज़ें सेट करने के लिए या तो फिर जो भी कुछ गलतियां हैं उनको भी सुधारने की आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और एग्ज़ाम जो है वह आपका CBT में लिया जाएगा, ये एक नया चीज़ है कि CBT में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें एक ही बार परीक्षा लिया जाएगा यानी फर्स्ट एक ही परीक्षा लिया जाएगा, एक बार में ही सिलेक्शन होगा। इसमें एक पूर्ण संख्या के लिए 3 और गलत के लिए 1 काट लिया जाएगा। और इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। कन्या अभियंता का देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 घंटा है, 2 पाली मिल जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 1 है जो कि 120 प्रश्न करेंगे 2 घंटा के लिए। उसमें इंजीनियरिंग और जनरल के लिए जो जनरल स्टडीज़ होता है उसमें से 40 मार्क्स, तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 120 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पेपर 2 में भी इसी प्रकार का है, यहाँ पर 2 घंटा का 120 क्वेश्चन है। और यहाँ पर पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से। और GK में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें। और इसमें झारखंड से रिलेटेड आपको GK पूछा जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि फॉर्म भरने वाले हैं इनको, तो वो GK भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और फिर
मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी ही जाननी है। पेपर टू में सिविल के लिए जो है वो सब सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर आपको मैकेनिकल में क्या पढ़ना है, तो मशीन डिजाइन पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, थर्मल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा में लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये सब सारी चीज़ें तो दी गई हैं, आपको देख लेना है। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए मूल धारणा, परिपथ, चुंबकीय, एसी डीसी, सारी चीज़ें आपको लगभग पढ़ लेना है। तो यही है। और इसमें जो है पेपर वन और पेपर टू के योग के आधार पर ही आपका मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा। पेपर वन और पेपर टू दोनों, इसके अलावा में आपको यहाँ पे जो है 40% लाना ज़रूरी है, और उससे जाते जाते के लिए 32% है, 32%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, ये आपका अनुसूचित सॉरी पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो उसको 40%, ये इतना आप लोगों को लाना है इस प्रकार का। इसके अलावा में यहाँ पर जो है वैसे कुछ खास नहीं है। तो फिर जो इम्पोर्टेंट जो डेट थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, और यहाँ पे जो भी पोस्ट थी वो भी मैं आप लोगों को बता ही दिया। टोटल 300 के आसपास में सीट है, तो आप जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके लिए जो है 22 जनवरी से लेकर के आपको 22 फरवरी तक ये जो डेट है तो ये आप लोगों को फिलअप कर लेना है। तो यह एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के, JDLCCE 2021 परीक्षा, तो JCC की ओर से नया और यही इम्पोर्टेंट अपडेट है।